हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने जीवन में खुशहाल होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं एटीएम, बीटीएम, लेखपाल और असुलिपिक के लिए मेरिट का निर्धारण कैसे किया जाएगा, मेधा सूची कैसे बनेगा। तो इसके बारे में आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। पिछला वीडियो में डाला था ऑनलाइन प्रक्रिया पूरा, उसमें मैं समझाया हूँ कि कैसे ऑनलाइन करना है। तो उस पर कुछ लोग कमेंट किए थे कि कैसे मेरिट का निर्धारण होगा, कई लोग फ़ोन भी कर रहे थे। तो मैं सोचा कि इस पर एक वीडियो बना देता हूँ ताकि सबको सहूलियत होगा समझने में। समझते हैं कि कैसे मेरिट का निर्धारण होगा। तो दोस्तों, मेरिट का निर्धारण करने के लिए आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का परसेंटेज को जोड़ा जाएगा। आज जोड़ने के बाद उसमें 3 से भाग किया जाएगा और जो भागफल होगा उसमें 0.8 से गुना किया जाएगा और जो गुणनफल होगा वही आपका मेरिट होगा। नहीं समझे आप? आइए उदाहरण के साथ आप लोगों को समझाते हैं। मैं अपने आप पे उदाहरण लेकर के आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे कि मेरा हाई स्कूल में 74% है और इंटर में 75% है और ग्रेजुएशन में 73.07% है। तो मैं इसका आप लोगों को मेरिट निकाल के दिखाता हूं कि कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूं। मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है और चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे कैसे। यहां पे मैं कैलकुलेटर अपना निकाल लिया हूं। हमारा देखिए हाई स्कूल में 74% है, 74 प्लस 75 इंटर में है तो 75 जोड़ दिया, 75 के बाद फिर प्लस 73.07 जो हमारा ग्रेजुएशन में है, 73.007 है। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 222.07 आ गया। अब इसमें मैं 3 से भाग कर रहा हूँ, 3 से भाग कर रहा हूँ। भागफल देखिए, 3 से भाग किया हूँ, भागफल इसमें आ गया 74.02। और भागफल में आपको 0.8 से गुना करना है, 74.02 गुने 0.8 देखिए 59.21 आ गया। ये हमारा मेरिट हो गया 59.28। अब हमारा एमएससी भी है तो एमएससी में हमारा 75% से ज़्यादा है तो 5 अंक मिलेगा, तो 5 और इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं। अगर आपका 75% से कम है और 60 से ऊपर है तो आपको 2 अंक मिलेगा एक्स्ट्रा, तो ऐड कर दिया 5 अंक तो 64.21 हो गया। उसके बाद हमारा एटीएम में 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है तो 3 साल का एक्सपीरियंस यानी 6 अंक इसमें जुड़ेगा, 6 अंक और जोड़ रहे हैं तो 6 अंक जुड़ेगा तो हो जाएगा 70.21 यानी 70.21 हमारा मेरिट बन रहा है। तो बहुत हाई मेरिट है, संभावना है कि बीटीएम में हमारा हो जाएगा, 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप लोग भी ऐसे ही मेरिट कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपका कितना बन रहा है मेरिट, इसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा। अधिकतम आप 2 जिला के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सलाह दूँगा जो दूर का ज़िला होगा वहीं आप लोग सेलेक्ट करिएगा। जैसे जो यूपी के बॉर्डर से सटा हुआ ज़िला होता है, जैसे आपका छपरा हो गया, सिवान हो गया, गोपालगंज, गया और इधर आपका पटना, इधर आपका पश्चिमी चंपारण, इधर सबसे ज़्यादा भीड़ होता है। यूपी के लोग आकर के यहाँ पे भीड़ करते हैं तो बहुत हाई परसेंटेज वाले लोग आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा फाइट करना मुश्किल हो जाता है। तो आप थोड़ा सा अंदर के ज़िलों में आप लोग अप्लाई करिएगा, जैसे आपका किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, शिवहर, तो इस सब ज़िलों में आप लोग अप्लाई करिएगा तो वहाँ आपका ज़्यादा चांस रहेगा अगर परसेंटेज आपका कम है तो सिलेक्शन का। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर लेखापाल और असुलिपिक के लिए योग्यता क्या है, बहुत लोग कमेंट किए थे। तो इस लेखापाल के लिए योग्यता बीकॉम मांग रहा है, बीकॉम का होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट और 6 महीने का ये कंप्यूटर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और असुलिपिक के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके साथ साथ असुलिपिक का आपको प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं।
ऑनलाइन कैसे करना है पूरी प्रक्रिया मैं समझा दिया हूँ एक वीडियो में, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, आप लोग उसको फुल वॉच कर लीजिएगा। उसमें आपको ऑनलाइन की पूरी प्रक्रिया आपको बताई गई है, तो वहाँ से आप लोग देख करके ऑनलाइन आप कर सकते हैं कि कैसे ऑनलाइन करना है। तो गाइज आप लोगों को मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस प्रकार का जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगा। तो इतना देर तक मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।